कांग्रेस की 60 साल से तो सरकार रही, उनने तो कमाऊना किसान खुद पज्जा दे दे जान के कहते हैं बीजेपी नहीं जीत रही, 90% आदमी गांव को कांग्रेस पे जा रहा हो। अनीता खटी उनको अगर उन्हें टिकट मिला तो कांग्रेस से तो दिखेंगी भी, नहीं तो कांग्रेस ने 5 रुपया दे 18 साल की मम्मा में सहकार नहीं आई थी योजना तो चलाई थी मम्मा ने, अरे सर स्कीम है जो चलाई थी उन्होंने भैंस नहीं आ गए पैसा, कोई भी खड़ा हो जाए कांग्रेस जीते आपकी। अनीता प्रभु दयाल को मान अच्छा है और जीते टिकट नहीं मिल रहे उनको, तनखो पार्टी लड़ा रही हो वीरेंद्र खटीक को लड़ा सकत जतारा से विधायक को न दे उन्हें टिकट ना दे और टिकट दे तो जीते भी ना कहे तो हई शंका जीते जैसे अगर वीरेंद्र खटीक को चुनाव लड़ाए बात तो हाज तो कहन जीते अब सागा लो कितना भगा जी हम हुए अकेले नहीं तो हई शंका को हरा सकते बाकी जितना तहसील में कोई नहीं हरा सकता। और बीजेपी ने काम करते 60 साल में कह पाए कांग्रेस कह पाए 60 साल में हर क्षेत्र में विकास हुआ है, रक्षा से लेके स्वास्थ्य शिक्षा हर चीज में विकास हुआ। राहुल लोधी के 30 वोट बढ़ गए 1.5 महीने अगला नहीं बढ़ाओ इक्का होगा खाएगा विधानसभा। अब की कांग्रेस से टिकट मिल रहा कोनों को भी मिल रहा वो जीता का। नमस्कार भैया हर राम राम, हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस समय हम लोग हैं जतारा विधानसभा में, जतारा विधानसभा के रोड किनारे को जो गाँव है ई गांव में हालचाल जाने गांव के लोगों से का स्थिति बन रही, आचार संहिता लग चुकी है और दसई दिना में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चाचा बताओ का हाल है? हाल जी है यहाँ तो प्रत्याशी को जब तक टिकट निकली जाए रो तो भीड़ा दसाने जनता देहात की है, हाँ। है? न कोई निकलिया कह सकता है कोई के बीजेपी का है क्या कांग्रेस का है, सब मिलो नहीं है जनता बस। अच्छा अब कांग्रेस से को क्वेश्चन लाए थे? कांग्रेस से तब टिकट के उपाय है नाव की चल रहा है नाव तो इनको चल रहा मरिया भाई को किरण को, हाँ। ये तुम्हारी सियावनी भाई हैं, हाँ। का नाव अनीता खटीक, हाँ। उनको अगर उन्हें टिकट मिला तो कांग्रेस से तो दिखेंगी भी, हाँ। नहीं तो ऐसा यह भाई की दिन कभी निकलेगा है ही शंकर, हाँ। किरण नहीं निकल नहीं निकल जी आदमी तो कह रहे हैं किरण न कर जी अच्छा माहौल है नहीं निकल पे नहीं निकल पे है ही शंकर का जताए बैठो बैठो जीत जे लोग तो कह रहे हैं हरिशंकर को बहुत विरोध है उसका कैसे का उदात विरोध है कल उनके उन्हीं के पास जाने सबको 3 बार भी बन चुकी है यहाँ से, हाँ। एक भी हाई अच्छा किरण को कमजोर का लग रहा है किरण को कमजोर लगा जात पात फैलाओ तू भी और जात पात पे आदमी वोट नहीं देता है जात पात पे वोट ना दे ना दे उनसे कम जात पात खटी कम है देखो क्या देंगे हम तो जो सब जने जहाँ वोट दें होते दे दें हमें क्या दिक्कत है जितने कक्का दे होते दे दें हमें क्या दिक्कत है। अच्छा कौनू मतलब मना रहे के प्रत्याशी कैसो है हमें कौनू सब आदे नहीं है प्रत्याशी दारू खो गांव के हिसाब से चल रहे हमें तो गांव के हिसाब से चल रहे जी हाँ हमारे गांव के जी हमारी घुस झुक गए हम तो शुरू से चले आए तो जी चाचा सही कह रहे थे भीड़ ये दशा जनता बस है ही जनता तो सही कह रहे बोले सही कह रहे प्रत्याशी नहीं जीते ज्यादा लहर तो आदमी कांग्रेस की बताओ कांग्रेस को तो वोट लो नहीं मिल रहा कछु जगह कांग्रेस नहीं बीजेपी की बनने सहायता है आप बीजेपी की इसे कह रहे स्कूटी दे दी स्कूटी से कहा है कौन इन दे दी बताओ मुख्यमंत्री ने दिया दी हाँ हम तो हम इस बीजेपी के रहे और मेहनत ना होती सब खोना दे दई फिर हम अन्य का दे दई हमने मेहनत कही सो दे दई बगैर उके तो ही देत को कछु लेकिन सरकार अच्छी है सब खो ले के चलती विकास कहते सो अन्य के बगैर उके को नहीं देते कछु सरकार की योजनाएं जनता तक पहुँचे किसान को हर चीज मिल रही कांग्रेस की 60 साल से तो सरकार रही उनने तो कमाऊना किसान को 2 रुपया दे दे आज बीजेपी की सरकार केंद्र में बैठी तो 6,000 रुपया आए मायबे से वो जीवे तक के पैदा हुआ तो पैसा दे आओ और मर रहा तो पैसा दे आओ बताओ हमें कहा को पैसा नहीं दे आओ आप ही के गांव के कछु लोग कह रहे थे बरिया के नेचे आपने खुद सुनी अब भाई जा के नेचे तो ऐसी कतई के खात है वही में वो छेद कहते जो पैसा दे आवा वो जो आदमी लूटा थे तो भयात की नहीं आई थी जनता तो जा तो बीजेपी सहायक आया है को की जनता नहीं रहता अच्छा किरण अहरवार को अच्छा माहौल सुन रहे अब अहरवार को माहौल तो अच्छा है सो एक जगह एक इसे का होती बा बाहरी जा हम होते जे का बोल कछु काम का आवे के लाने मारी जा तक के भगत जी
और फिर काल बा विरोध कहने लगे कि तुम तो बड़े आदमी आओ, हमें नहीं कहवा उन्हें काम, अपने जब जो अपने क्षेत्र को है वो खोदो, को कह दो क्षेत्र के खो ठाणो तो वो खोदे वोट क्षेत्र वाय सबको देखती अपने गांव के लेंगे को के जो विकास का हुआ है हमारी गाँव में विकास का हुआ है सो इतने कहाँ से विकास मरिया भी तो लगा ही है कितनी दूर है। अरे बहुत बहुत दूसरी विधानसभा है और तय का विधायक हो जो मिल के वहीं विकास ले जाए जो कछु है सो जिला तो एक ही है कि जिला ही अलग होगा वो तो अच्छा मरिया ने वाली विधानसभा तब इतना कहा हो इतने की जनता को बताओ हमें इतना के आदमी खो कावा ठाणो इतने का खो दे जता कि विधानसभा में वो आदमी न जाका कांग्रेस के जी खो में टिकट देवे अच्छा अनीता प्रभु दयाल को माहौल अच्छा है और जीते सो टिकट नहीं मिल रहे अच्छा जो कैसे पता आपको टिकट नहीं मिल रहा अब जो दावेदार है जो प्याज से मेहनत कर रहा तो खो दे टिकट पार्टी अब जो तो ऐसी अनायास आज तो इन्हें थो ही देवे टिकट टिकट तो जो को काय कहता है काम कर रहा पेयर से वो जो टिकट दे आदमी हाँ अच्छा अनीता प्रभु दयाल सपा से लड़े तो का स्थिति बने तो नहीं जीत सका सपा को इतना बाय चस्प उतनो नन्या सपा से जीते से तो कांग्रेस और सपा दो ही साफ हो जाए अच्छा बे वोट उनके हैं और बे यू के हैं कछु ऊ के हैं कछु ई के हैं ऐसे तो फैसला अच्छा तो लड़ाई कौन कौन पार्टी में हुई है तो बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई लताई हुआ सब तो है जीरो ऐसे तनक मनक वोट हाँ ज्यादा नहीं है उनको बाय चस हाँ इतना तो सीधा टक्का है बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्का है अच्छा मजबूत फाइट की में हो सकत की को तो ज्यादा तो जनाधार बीजेपी को है हाँ बीजेपी से लेकिन फिर और दावेदार तो नजर नहीं आ रहे हरिशंकर के अलावा जी खो में टिकट दे दे वो जीत जी दे उनके नाम से मोदी के नाम से बीएन खटिक जीते रहे दो बजे जीत गया बीएन खटिक केवल मोदी के नाम जीता बीएन खटिक का कोई बातचीत नहीं है कुछ बातचीत नहीं है जीरो है केवल मोदी के जीते है अच्छा सुन रहे सांसद अनखो पार्टी लड़ा रही हो वीरेंद्र खटिक को लड़ा सकत जता रहा सर विधायक को न दे उन्हें टिकट ना दे और टिकट दे तो जीते भी ना ये तो हरिशंकर जीते लिंक में लाए प्रत्येक आदमी यही संघ है वीरेंद्र खटिक की यहाँ लिंक नहीं है किसी अच्छा जी भाजपा की बहुत कह रहे हैं अच्छा इतने से अगर वीरेंद्र खटिक को चुनाव लड़ा है तो हार जे हार जे हाउ तो कह अंजीत है अब सागा लो कितना भगा जी हम हुए फिर तो मर गई साजो है जैसे सागा से अच्छो तो मर गई साजो है अब बहुत अब जीत इसे जाता है कि मोदी के नाम पे जीत गंता उसको चीनत को है हाँ को से मिलत लो तो है याद लो कि 15 साल में देख भी नहीं आओ हाँ सकाल नहीं देखी हम तो की सकाल नहीं जानत कैसा हो वही पार्टी भाजपा वीरेंद्र खटीक को लड़ाए तो करण अहरवार जीत जे हाँ। हरिशंकर खटीक को लड़ाए तो करण अहरवार हार जे फाइट में है और कांग्रेस अनीता प्रभु दयाल को टिकट दे तो अनीता प्रभु दयाल जीत जे जीत जे कांग्रेस ये है सबके जीत के समीकरण हाँ। और हार के समीकरण हाँ चाचा ने कछु ठीक ठीक बात बताई जम रही तना का है भाई संगय का अनीता में है अनीता का टिकट मिल जाए कांग्रेस तो अनीता जीत जे और करण अहरवार को मिल जाए तो नहीं जीते ऐसा काय लग रहा है ना जाति बात है ना हल्की जात का आदमी कम सपोर्ट का है हल्की जात को कम सपोर्ट करा अब सीटें ही हल्की जात है तो उसका खटी कौन आएगा बोल का है खटी है हाँ। सब बिलात हैं हाँ। तो इन्हें खा दे दे टिकट कांग्रेस अच्छा योगेंद्र अहरवार भी एक नेता बोलो अनीता ही जीत सकत कांग्रेस से तो बाकी हरी संघ ही जीते अच्छा कोई का टिकट मिल जाए अकेले अनीता ही हरी संघा को हरा सकती है बाकी जिता तहसील में कोई नहीं हरा सकता और भी एक जने चाचा मिले भी चाचा जा कह रहे अब हाल बात वही कि वीरेंद्र खटीक को अगर भाजपा इतने से लड़ाए तो फिर करण अहरवार जीत जाए अब फिर टिकट मिले तो पाए बस वोट दे फिर का और भी जीत सकत कोई गारंटी नहीं है कोई गारंटी हाँ फिर गारंटी किसी की नहीं है कोई भी जीत सका इन दो में से तो गारंटी यही है कांग्रेस से क्लियर 90% गारंटी है अनीता की जीत भी और ना तो हरी संघा से विधायक बने बैठे हैं और फिर बनने जाए तक इस तरह लोग इतने ईमानदारी से बताते लेकिन इतने वे नहीं है हाँ आप कहाँ काम करत काम हम का करत हम किराने की दुकान रखे किराने की दुकान रखे तो आपको सब पता हुई है कि एक साल पहले कौन सौदा का भाव मिल रही थी आपका महंगाई हो गई है चीज की महंगाई हो गई सबसे ज्यादा रेट का है कि बड़े किराने की सौदा में दाल हो गई 180 रुपया किलो है कि एक साल पहले की देखी थी 100 रुपया किलो थी दाल एक साल में डबल हो गए डबल होगा और काय काय की डबल हो गए हर चीज के होगा साथ डबल जैसे जैसे दालन के हो गए वो अभी जो सौदा है सब है चीज के वजन घट गया सौदा जीरे की एक जने कह रहे थे जीरे 600 रुपया किलो होगा 300 से सीधी 300 कब है थे अब 6 महीने 1 साल पहले 300 थे जीरे 300 ले आते
300 का 270 में लो, तब 600 रुपया किलो में आए, मैंने दोगुने से भी ज्यादा, दोगुने से भी ज्यादा होगा रेट। तो किराने की सौदा के रेट भी बड़े हैं, है चीज के बड़े। अच्छा, महंगाई से वोटिंग पे असर पड़े कि नहीं पड़े? पड़े वोटिंग पे असर। भाजपा के पक्ष में जे के खिलाफ जे? खिलाफ जे। अच्छा, इतने की चाचा बता रहे, चाचा ने एक समीकरण बताओ थे कि अगर भाजपा वीरेंद्र खटीक कौन जतारा से उतारे तो किरण अहिरवार चुनाव जीत जाए, हरिशंकर खटीक लड़े तो किरण अहिरवार हार जाए, और कांग्रेस अगर अनीता प्रभु दयाल को लड़ाए तो अनीता कोई भी खड़ा हो जाए कांग्रेस जीते, आपकी भी कोई भी खड़ा हो जाए हरिशंकर खटीक जीत सके, टिकट मिल जाए तो भी चाचा तो करे जीते। अब उनके कहा हो तो उन्हें कहा हार मेरा भी। अच्छा, हर बार इनको कछु पता नहीं, कछु पता नहीं ना, कछु कई स्कीम को पता ना कछु को। अच्छा, और का तो हर बार ही गांव में तो आते हैं, आई ऐसे उन्हें कछु मालूम ही नहीं ना भाई साहब। हां हां कहां जाता हूं इनसे ज्यादा पूछा, हां हां कहां किधर जाता हूं भाई मैं, अब भी तो कब उन्हें जीत सकती भी, तो मैं भी वोट देने आए एक दा ही शंकर को, हमें कांग्रेस पे देना कोनो भी पार्टी आ जाए, सब आगे तुम कांग्रेस से कैसे कहो, तुम कांग्रेस पे। अबे यार इतने में कम से कम भाजपा के मैं बोल नहीं पाऊ, ठीक है आदमी। हाँ। कांग्रेस पे देने क्या पे वोट देने तमाम लोग। चाचा, इन लोगों ने तो अपनी बात कह ली, आप और अपनी बात कहो कि आप खुश, देखो सबके अपने विचार हैं, जिखो जो समझ में आ रही वो अपने हिसाब से दिमाग लगा के बता रहा हूँ। हम तो बीजेपी का नहीं, बीजेपी को एक तरफा प्रत्याशी को होवे, वीरेंद्र खटीक होवे चाहे हम तो बीजेपी का नहीं, किरण अहिरवार बीजेपी में आ जाए तो वोट दो, तो बीजेपी दे दे। अनीता प्रभु दयाल आ जाए तो बीजेपी, बीजेपी में। कमलनाथ बीजेपी, कमलनाथ तो कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस ही है, नहीं हमें की रटी हो एक रटा के पास, तुम्हें केवल बीजेपी का नहीं, सद बीजेपी के हजार। अच्छा, बीजेपी आपको पसंद का है, कांग्रेस का नहीं? आप जो बीजेपी ने काम करा 60 साल में कह पाए, कांग्रेस कांग्रेस ने कह पाए 60 साल में, मंदा बना पाओ को आदमी मंदा वहीं बनाएंगे। हाँ। खत्म होगा मुद्दा, मोदी के नाम पे बीजेपी को वोट दे, लोकसभा में के विधानसभा में, दो ही जगह बीजेपी में। 370 हटाई जाए कश्मीर की धा, कांग्रेस हटा पाई को, कांग्रेस सरकार जी की हुई है वही तो हटा है, कैसे अबे भाजपा की नहीं हटी पहले का सरकार, 60 साल नहीं है तो नहीं हटा पाई, कहूँ हटा पाएगा, नहीं हटा पाई है दादाजी गुंडा जैसे हम कह पाए उन्हें, वजह से भाजपा अपन तो बीजेपी के शुद्ध। चाचा ने तो खुल के कह दे कि 370 जी ने हटाई, राम मंदिर जी ने बनाओ, हम उके संगे हैं, और दो ही चुनाव में हैं, लोकसभा विधानसभा को चुनाव उतार दे, और चाचा एकदम साफ भाजपा की मूड में है। भाई साहब अपन को कहना हो? बीजेपी, रामचरण झा, रामचरण झा, बीजेपी, बीजेपी। अच्छा, अगर बरादरी को नाव के पिछाई अगर पार्टी को नाव लिखा तो आदमी, बहुत सारे आदमी अपन पार्टी को नाव लिख लेते, रामचरण जहाँ बीजेपी, फलाने यादव कांग्रेस, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, फिर नहीं, बढ़िया बीजेपी ने अच्छा काम किया, अच्छा काम कर रही है। अच्छा, कांग्रेस आपको क्या पसंद नहीं आता? अब यही तो बात हो रही है, जैसे चाचा जी बैठे थे हमारे, ठीक है कांग्रेस ने क्या करूँगा का, आप बताओ कांग्रेस बारे तो जाकत के, जब देश आजाद भाव तो जब कछु नहीं है तो देश में हम ही ने बनाओ, नहीं नहीं दिग्विजय सिंह के बीन कर अपनी अपनी जमीन में मकान बना हाल में। हाँ। उनके पैसा जवाबान वाला तुमने कि चले थे अपनी जमीन में बना है, उनके भी जवाबाने रहते दिग्विजय सिंह, जब उस टाइम पर जवाबानों कहते थे सबके, डायरेक्शन कराओ 3000 की रसीद कटवाओ, कलेक्ट्रेट न जाओ, पाँ पाँ वकील लन के वकील कहो, जो वह दिग्विजय सिंह सरकार में भाव थी जी चीजें वहीं थी, नहीं बहुत बढ़िया सरकार। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस कांग्रेस की लहर बता रहे हैं आप, लहर बता, लहर से का होता है, जैसे लहर बता आपको तो लहर से कछु होता है नहीं हुई है, जमीन नहीं बंटर में, जमीन निकाल दी थी उनने, बंटर में जमीन निकाल। अच्छा, ई जो गांव भी अनोखो है, इतने बहुत सारे लोग भाजपा की कह रहे हैं और बहुत सारे लोग कांग्रेस की भी कह रहे हैं, और ईमानदारी से अपना पक्ष भी बता रहे हैं, इसके पहले हम एक जगह खड़े बहे थे उतर भी लोगों ने बताई थी। चाचा क्या लग रहा हो आपको, का मूड समझ में आ रहा हो अब कांग्रेस के जो वचन हैं 11 वचन कमलनाथ के, उन पे वोट मिले क्या भाजपा के काम है? तो भरोसा करो नहीं जा सका कांग्रेस पे, नहीं बिल्कुल नहीं करो जा सका, जो बीजेपी कहे थे वो कहे थे, जो कही है उनने वो करो है, माना तो आप लोग करो है, कहे नहीं मानो, जो कही उनने वो करो, विकास भाव है, भोल विकास, जहाँ देखो जहाँ विकास ही विकास हो रहा है, चीज को विकास है, हर क्षेत्र में हो है, नहीं लोग बात कह रहे थे आप ही के गांव के लोग कह रहे हम थे, तो भैया सतगुआ के आए। हाँ। लेकिन हर
विभाग में हर क्षेत्र में विकास हो कांग्रेस में बीजेपी में। दो हजार रुपया मिल रहा है फी मिले मोदी सरकार मिल रहा है नहीं मिल रहा। हर क्षेत्र में विकास हुआ है रक्षा से लेके मतलब रक्षा से लेके स्वास्थ्य शिक्षा हर चीज में विकास हुआ। खुश है मतलब बिल्कुल हम तो खुश हैं। टिकट को मिल चाचा एक का है चाचा हमें बता दो समस्या का है। हम जाके मोदी सरकार ने पैसे दिए शिवराज सिंह सरकार ने पैसे दिए हैं और डाल दिया 2000 रुपया अगर रिमेंट आए पेंशन बंद की कांग्रेस के राज में कहूँ पेंशन नहीं बंदी बद्धा न मिले है किसी को। अब सबको वृद्धा पेंशन मिल रही ये भी पैसा मिल रहा है सूखा के भी पैसा मिल रहा है तो जनता को लाभ दिया भाई ज्यादा लाभ का चाहे खुश हो बिल्कुल फुल खुश है। हमका खुश है पूरी जनता खुश है पूरी जनता खुश पूरे मध्य प्रदेश की जनता खुश है। घर से आए सर वो बता दो सांसद के लिए बीएन खड़ी फेकड़ो जो तो बीएन खड़ी सांसद हो जाए मोदी नाम से बीएन खड़ी अपनी दम पे जीत सकते हैं मोदी के नाम पे जीत सकते हैं मोदी के नाम से। यहाँ बाकी उनका कोई बातचीत नहीं है उनका नाम का है वर्चस्व नहीं है तो पार्टी चुनाव का है लड़ा पार्टी चुनाव लिया भी लड़ा हम मोदी मोदी जानत अपन जनता मोदी जानत फिर मोदी के नाम पे वोट मिलती मोदी के नाम पे वोट मिलती है शिवराज मम्मा के नाम पे शिवराज मम्मा के नाम पे विधायक को मिलती है वोट। अच्छा अब विधानसभा चुनाव में 6 हो चुके मोदी आचार संहिता के पहले हाँ। तो लोग बता रहे कि कमजोर है बहुत भाजपा की स्थिति इसे 6 कुछ नहीं कुछ नहीं है मजबूत है तो ये, एक सीट को चुनाव है तो पीथी पर में हाँ। सोते या 10 भी हाँ। तो निकाय के नहीं उतने सीट उतने भी निकाय के नहीं शिषपाल यादव को जिताओ जीते हैं भी तो उनकी तो मेहनत कहे उनको जनता को वोट देवे। अच्छा इतना से भाजपा में टिकट की को मिलने चाहिए टिकट को सबसे मजबूत पार्टी को काम है जो तो हम लोग जनता नहीं जनता को अगर सर्वे करा जाए जनता से पूछी जाए कि टिकट की खोदना चाहिए जनता के लाने कौन अच्छा हो सकता तो हरिशंकर है हरिशंकर बढ़िया है बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है उसने आज तक किसी का साझाएंगे तो बुरा भी नहीं किया है मुँह पे कोई बुरा नहीं बोलते आज तक उसने जवाब नहीं दिया है ऐसा विधायक है कि जब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर हरिशंकर खटीक ने कोनू के संगे अच्छो नहीं कर पाओ तो कोनू के संगे बुराओ भी नहीं करो बहुत सारे गांव में जा लोग कथ हैं और जा स्थिति अब सुनबे को भी मिल रही है ऑन कैमरा तो स्थिति कछु ऐसी है जा गांव की कि एक गांव के हिस्सा में हम लोग कछु दिन पहले आए थे 10-15 दिन पहले उतने कांग्रेस कांग्रेस की अच्छी बात थी अब जब हम लोग निकल रहे थे तो पेड़ के नीचे बैठ गए इतने भी कछु लोग बैठे थे तो इतने अब भारतीय जनता पार्टी को लेकर कछु लोग कह रहे हैं। एक चाचा तो ऐसे मिले चाचा सबकी कह रहे हैं बोले जे समीकरण बने तो जे हारे जे समीकरण बने तो जे जीते अब स्थिति कछु ऐसी होने लगी है और वास्तव में जब जितारा विधानसभा में घुसत हम लोग तो एकदम नेचुरल जो रिपोर्ट है बाहर निकल के सामने आत लोग ईमानदारी से सही बतावे को प्रयास करो तो जिन लोगों को कछु नहीं बताओ भी मना कर दे भैया हमें कछु नहीं बोलने इतने अन्य विधानसभा की तरह डर भी नहीं है बहुत सारी विधानसभा में हम लोग जा रहे हैं तो लोग माइक लगाओ तो डरा जाते भी बोल नहीं बीजेपी के राज में खुलोपन है हाँ। आप विधायक के लेंगे चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है डरा तो नहीं है आदमी जैसी बात करने वैसो कर ले वे और वो कूड़ो वो कोनो विधायक न जावे कांग्रेस के विधायक न जावे तो देखो तुम डर आदमी को सांगो लेके जाने आगे भैया मुझे बात करवा दीजिए विधायक से इधर तो स्वयं आपके आपके दो जिला में है कौन कांग्रेस को है दो जिला में है ही नहीं है कांग्रेस ही नहीं है कौन से विधायक अरे बहुत सामंतवादी चला था कांग्रेस के राज में अच्छा गुंडागर्दी चला सब चला था ई राज में तो बिल्कुल खुलापन है जितने चाहे चले जाओ तुम बहुए बेटियां जितने चाहे चले जावे कोई दिक्कत नहीं मैंने खुश हो खुश हैं बिल्कुल अगर हमारे भतीजे हैं हमें कह नहीं कह ये तो हाय में हमने हाय आज तक दिखा तंजा हमारे भतीजे हैं कि हमें तो कांग्रेस देने हैं भतीजे कह रहे जीरो जीरे जो 270 रुपया किलो हते वे 700 हो गए 600 हो गए जीरे को 5 रहे जीए किसान को तो फायदा है अगर 270 हो गए तुम भी तो पहले है दुकान है किसान का माल है वो किसान का वो भी तो किसान का माल है अगर होगा तो रोन लगेगा दूसरे आदमी और टमाटर महंगो बहुत उस आदमी छिल्ले आ रहा है तो बात है किसान को माल तेज हो जाए तो रोन लगा तनक में है और कछु चीज हो जाए तो नहीं हो रो दो आदमी। अच्छा बहुत सारे आदमी जाकर गैस सिलेंडर गैस सिलेंडर सस्ता तो होगा कच उदई माटी मोल होगा 219 रुपया डाले शिवराज सिंह ने बहन के खाते में 36 लाख बहन कांग्रेस बारे कह रहे भी तो कर्ज लेके घी पी रहे वो तो घी पिए चाहे जो चाहे लेकिन जनता को फायदा तो दे जनता आज 1000 दे एक माह के अबे 1250 एक माह में एक महीना में खा नहीं सकते 1000 को गल्ला पानी कोई वो नहीं खा सकती है कोई में धोती ले ले वो खा ले। अच्छा 1250 में का कर सकती हूँ जो कर सकती है
20 किलो आटा लगे, 20 किलो आटा मिल जाए, सोसाइटी से मिल लो वो फ्री कह रुपया किलो भी, लहसुन पानी तेल साबुन सब कर लें भी, सब कर ले 1250 मायके हुआ है। अब मायके तो फिर ऐसा मायक हुआ, अब दूसरी ना जन थोड़े मायके में ही हुआ है। जैसे अब तुमका बम्बई है सच्चा तो कैसे हुआ है? कांग्रेस बारे कह रहे भी तो आलसिया बना रहे। अरे ये तो अब उनके कहबे के ठीक है, उनके कहबे के ढंग ठीक है, बाकी कांग्रेस कुछ नहीं है ऐसा में ना, कांग्रेस ने कुछ किया है, कांग्रेस उल्टा पीसा है अभी तक। देखिए मैं शिकायत में इतनी परेशान थी जनता को, बंटन करा दो, बंटन की जमीन लखों आदमी है उनमें, बंटन की जमीन में, बंटन की जमीन का हो चाचा जी, बंटन की जमीन जा होती के जमीन जैसे सहकाई रही तो 2 एकड़ को कुग्गे बांधा पट्टो, 2 एकड़ को कुग्गे उनकी गई जनता हम बांधो तो गई जनता का तो मिलो नहीं जाओ। बड़े याद बन घमेलो जी ने पैसा खर्च कही उन्हें पट्टी मिली, गई जनता ठुकी है कांग्रेस के राज में। सही बात है जा। सही तो है ही बात। अब तो आप कह रहे थे हम कुछ बोले नहीं, बात तो सही जो सही आज जो बताओ उसके जा सही है बात। अच्छा, अब बताओ अब आपको क्या लग रहा है? उन्होंने तो अपनी अपनी कह ली, अब हमारी क्या लगाओ का है? जैसे बीजेपी का चाहू तो पन तो चाचा ने दबी जुबान से कह दी। अच्छा पहले क्या नहीं बोल रहे थे? पहले बोले हम सबको माहौल समझ रहे थे कि सबके ताए जा रहे हैं, हम बोले माहौल तो देख लिया है, शुद्ध बीजेपी के आई, शुद्ध बीजेपी के अपन हैं पहले ही से जुड़े और अब भी जुड़े। अच्छा हरिशंकर खटीक जी को लेके बहुत सारी जनता की समस्याएं हैं, बेकर आत नहीं है कौन आता हरिशंकर जी गांव में? गांव में आओ तब एक परिवार में अकेले आदमी अपना परिवार होनी साथ पाउत वो तो 90 विधानसभा चाहे 90 विधानसभा 90 पंचायतें चाहे 93 पंचायतें कितने कितने जाए एक आदमी बताओ आप। अच्छा आप और भाजपा की देखभो कर रहे हैं, हमारे एक दो सवाल हैं बे बताइयो। हरिशंकर खटीक पहले मंत्री रह चुके? हाँ रह चुके, मंत्री रह चुके। फिर नहीं बनाओ ने मंत्री? तो अब बस सहकार की बात है, उनके संगठन की बात है, बनाओ नहीं बनाओ सहकार की बात है। अच्छा फिर चीजें आप और सरकार पर छोड़ दे सी? नहीं नहीं जा भाई साहब, हम जनता को बनाओ का मंत्री, मंत्री तो उनके मुख्यमंत्री है जो बनाओ, पार्टी को बनाओ मुख्यमंत्री, जनता थोड़ी बनाओ मुख्यमंत्री, जहाँ जनता की दुआ हो जाए तो फिर मुख्यमंत्री फिर मंत्री बन जाए वो, अगर मंत्री के लाने जनता से चुनाव हो जाए तो फिर मंत्री बने वो भाई शंकर खटीक बताओ। अच्छा राहुल लोधी को बनाओ तो 1.5 महीना के लाने 1 महीना के लाने मंत्री, इससे कछु फर्क पड़ो के नहीं पड़ो? नहीं नहीं राहुल लोधी को बनाओ तो जिला में एक मंत्री पद आओ तो खुशी तो होती है। 1.5 महीना पहले काहे नहीं होती, जैसे कछु भी कछु हो जाए तो खुशी तो होती ही है, राहुल लोधी को बना दो तो एक जिला में एक वो तो होगा हमारे जिला में मंत्री बन गो। 1.5 महीना में बढ़ गए उसकी, राहुल लोधी के 30 वोट बढ़ गए 1.5 महीना के लाने बढ़ाओ, इक्का होगा खाएगा विधानसभा की। अच्छा वोट बढ़वावे के लाने मंत्री बनाओ तो सब जनता जुड़ गई उनसे, जाबा सही है कि वोट बढ़ावे मंत्री बनाओ? हाँ कछु को बढ़ावे बनाओ उन्हें, लेकिन जनता जुड़ गई उनसे 30,000 वोट से ऊपर बढ़ गए उनके, उतरे विधानसभा कोई ठड़ खड़े हो जाए बिल्कुल पक्की बात है, जो विरोधी है तो वो आ गया उनके साइन में। जो है तेको माहौल है भैया, ईमानदारी से दिखावे को प्रयास करो और ईमानदारी से लोगों ने अपनी बात कही जो मन की हती इन लोगों की, ऐसे ही सुना है अलग अलग चौराहन पे जाके बुलात को खुनिया न्याय तो देवो बंद कर दो बुंदेली वार्ता ने कैसे न्याय तो दे में हूत जो है तो के भाजपा की आ जाए कहो कांग्रेस कांग्रेस ही की आ जाए, फिर वो एक तरफा कांग्रेस के राज पुलिस ले जाते पेट्रोल पेट्रोल बेचा तो नंबर को पैसा ले आओ, बीजेपी के राज में नहीं करता वही बेचे पैसा ले जाती पेट्रोल बेचा नंबर को डीजल बेचा तुम लोग कांग्रेस बीजेपी के राज में कुछ जा नहीं कहता क्या स्वतंत्र है आदमी। इतने की जनता तो खुश नजर आ रही, आगे दिखाएं का माहौल है आगे और गांव में क्या स्थिति है। इतने फिलहाल भाजपा की स्थिति ठीक नजर आ रही है। क्या है भाई साहब, जब चुनाव अब आचार संहिता लग गई अब चुनाव कसेगा? पहले तो आदमी खुल के बोले तो आदमी उल्टी सीधी बातें मतलब अलवा था मस्कत दई, अब और का को टिकट भेज जाते तो फिर और आदमी बोले अच्छी तरह से आदमी खुल खुल के खुल के बोले का मतलब है जा दुकान बनाई इन दे यहाँ कुछ नहीं, हम जा हमारी जमीन लगी जा इनकी लगी जा इनकी लगी है बालू गन्ने उन्हें दे दो टिकट मरिया भाई को दे दो टिकट ई पे स्टे का या पुट का या बाप मरिया भाई से इतने का गुस्सा मरिया भाई से जात पात फैलाती उनने कितने जात पात जात पात जो फैला गया हमारी तरह जात पात है इनकी तो पुट गए हम गए निपटा भी थाने में भी दाऊ थाने बोल रहे हैं सुनो हमारी है जगह हम आप कुआ खोदो हम उनकी पटेती में कुआ खोदो हम उनकी जमीन है हम लोगों की वो अपनी पटेती में मकान बनाओ भैया फुटका यार
अभी आज विधायक अच्छा को रिपोर्ट करे अभी मैं मड़िया भाई को कह दो मड़िया भाई को जो दूंगा जात पर हमारे है भाई ये फोन करती का थाने हां झूठी बात है सही कहा है कह दाऊ सही बात है जो चाचा कह रहे हैं जो तो मालूम है भाई थी रिपोर्ट रिपोर्ट भाई थी मड़िया भाई को हाथ है वो जात पात पे चल लो काम जा है सीधी बात जात पात को काम चल लो कछु नन जाऊ पे सीधी बात जात पात को काम कांग्रेस लेकिन कांग्रेस आई आपके भाई साहब लेकर के लिए ठीक है कह रहे कांग्रेस आए ठीक है अब जैसे विधायक है वो पंचवासी में निमरो टिकट कांग्रेस से थे जब ये भी हई संघ हार जा तू अब की बात अब कांग्रेस को टिकट ही नहीं है तू तो कहाँ से जीतती कांग्रेस अब की वे कांग्रेस से टिकट मिल लो कोनों को भी मिल लो वो जीता हो कांग्रेस से जी को टिकट मिल जाए वो जीत जाए भाई साहब कोनों भी आ जा भाई साहब बहुत सारे लोग आते आप कुछ कह रहे हो जे हैं एक जे बच्चे हाँ कांग्रेस जीते और जी इतने जने कह रहे हैं इतने जने की कैसे कहा होते हमें पता है ना कि कांग्रेस जीतने ही बात अच्छा आपको कैसे पता हमें पता है ना माहौल जाना था माहौल समझा अच्छा माहौल समझत कैसे होते ही रहना चाचा एक तरफ के तो माहौल ऐसे कि जनता को रुझान पता पड़ जात कैसे जन के कैसे बीजेपी नहीं जीत रही ठीक है 90% आदमी गाँव को कांग्रेस पे जा रहा हूँ 90% भाई साहब चार जने वोट नहीं अकेले वोट तो कांग्रेस जी अकेले वोट चार वोट जी तो चार वोट बनवा जी एक वोट फूल बजा तो वोट का मतलब क्या कौन बटन दबा तो फूल बजे का मतलब सब मशीन में गड़ाबड़ी थी भाई साहब की आपकी रे भैया सो हुआ स्कीम हो गई कि आपके रे भाजा भोई तरह से हार रही सीधी बात दल मशीन में गड़बड़ी बिल्कुल नहीं हुई आपकी रे तो कांग्रेस जीत रही मशीन थी भाई साहब के एक वोट डाल कछु पे फूल पे वोट जाओ फिर कहां से जीते कांग्रेस बताओ आप आपके है जगह मोहर लग के डरने वोट मोहर लग के अरे दिल्ली की बात नहीं कहते की बात कहो ना इतना तो कांग्रेस जीत रही कालो धन मोदी साहब 25 साल से है भाजपा ने कहा कर हाल बांटल एक 1,000 रुपया पहले क्या नहीं बांटी 1,000 5 रुपया था कांग्रेस वाले ने 5 रुपया दे बेकार 18 साल से कांग गए थे मम्मा 18 साल की मम्मा में सहकार नहीं आई थी लाड़ी लक्ष्मी योजना तो चलाई थी मम्मा ने 2000 अरे स्कीम है जो चलाई थी उन्हें घर से दिया गए पैसा घर से दिया बता पैसा जब जे दो जने कट्टर कांग्रेसी है जे दो कट्टर आप ही बताओ लाडली बहनों को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और लाली लक्ष्मी तो कह रहे कौन घर से दे रहे घर से को दे घर से कांग्रेस के टाइम पर जाए स्कीम चली नहीं थी भाई जो ना हाल चल रहे ठीक है विकास नहीं है तो विकास हमारे मिल रहा है लाडली बहना योजना मिल रही आपके घर है हाँ नहीं मिल रही झूठी तो यही बनी कहाँ जब चेक करवालू जे तमाम लोग आते देखो जे दो कट्टर कांग्रेसी जे दो कट्टर वाजपेयी बीजेपी में जाओ बीजेपी को जा ही नहीं चाहते भैया प्रेम से रहो चाहे कांग्रेसी हो चाहे भाजपा हो रहो गांव में प्रेम से चाहे जन पार्टी के रहो भैया मम्मा की योजनाएं बहुत अच्छी हैं सब अच्छी हैं देखो जो रोड फेंकू मंजूर होगा आओ फैसे मंजूर होगा रोड उन्हें नहीं दिखा रहा रोड इन्हें समझा जो चिकनो है रोड देखो दचका नहीं लगा दिखा जगह के डर रहे है जगह रोड फिर भी नौ रोड बनना फेंको सोचो अभी देख विकास लेके आप जाते है कसा का जो गांव के पूरे ध्वस्त हुए मकान ईखा टूट गए तो पैसा मिल जाएगा टूट जाए ये उसको मुआवजा मिलेगा भाई साहब ये हमारी दुकान है हमारी टूट जाए साजो कर रहे अभी आगे भी जो कहे कहे समझे हो भाजपा के तो है टूट जाए दुकान हां हां हमारे 8 लाख रुपया लगे भाई ये बनी सामने तैयार है भाजपा के लाने के लाने अब ही बनवाई ना दुकान है नई दुकान हो तो कैमरा दिखाओ अब ही नई दुकान है बनवाई नहीं बनवाई टूट जाए तो भी भाजपा तो भाजपा तो